Hello friends, how are you all? I welcome you in the science series of studyhub.com. In this video, we will discuss about the questions on the topic diversity in the living world. This is the most important topic for all kind of exam. So without wasting the time, let's do the video. Now, let's move forward to the questions. ये क्वेश्चन पूछा गया है फिश के बारे में. सबसे पहले फिश के बारे में पता कर लेते हैं कि फिश क्या होती है. देखिए फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है. फिश जिसके पास गिल्सो, फिन्सो और वर्टिब्रा हो उसको हम बोलते हैं फिश. इसको दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ट्रू फिश फॉल्स फिश. ट्रू फिश वो होती है जिसके अंदर फिश की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि गिल्सो, फिन्सो, वर्टिब्रा. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. ट्रू फिश के डॉग फिश, कैट फिश के किसके एग्जाम्पल ट्रू फिश के, क्योंकि फॉल्स फिश क्या होती है जिनके अंदर फिश की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. देखिए स्टार फिश, सिल्वर फिश, सेल फिश. स्टार फिश क्या है, ये थ्री और इसको हम सी स्टार ही बोलते हैं. ये एक स्टारशिप एक्विनोडर्म है, ये क्लास एस्ट्रोआइडिया को बिलोंग करता है. कंबर क्या है, एक तरीका एक्विनोडर्म है जो किस क्लास का है, होलोथुराइडिया का है, और एक तरीके का मरीन एनिमल है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन, इसमें पूछा गया विच वन इज ए नॉट ए फिश, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश एंड गिटार. हमने देखा स्टार फिश हमारा एक तरीका एक्विनोडर्म है और ये फिश की प्रॉपर्टीज को बिलोंग नहीं करता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन इज ट्रू फिश, हमने देखा कैट फिश एक तरीके की ट्रू फिश होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ सी कुकुम्बर, सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लॉइन विच वन इज ए फिश. तो हम देखा सी हॉर्स क्या है, एक तरीके का फिश होता है, एक स्मॉल मरीन फिश है. और सी काउ क्या है, एक हर्बीवोरस लार्ज एक्वेटिक एनिमल होता है जो कि अब एक्सटेंट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछा गया है आउट ऑफ पिचर प्लांट, कस्कटा, ब्लैडरवॉर्ट एंड सनफ्लावर आइडेंटिफाई द पैरासिटिक प्लांट. इसमें पूछा गया पैरासिटिक प्लांट्स कौन सा है. तो कस्कटा हमारा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है. पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन या तो पूरा या कुछ क्वांटिटी में किसी और लिविंग प्लांट से गेन करते हैं. ठीक है नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स इज अ प्लांट दैट ड्राइव्स सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है या तो पूरी और या उससे कम भी हो सकती है, वो हमारा किससे गेन करता है, लिविंग प्लांट से गेन करता है. और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि स्ट्रेगा हुआ, रैनेथस, कस्कटा और ऑर्मैनिक शेई. और पिचर प्लांट्स क्या होते हैं, पिचर प्लांट्स वो होते हैं जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं और इसका एग्जाम्पल है नेपेंथीस. इसे पूछा गया कि ट्रू फिश कौन सी होती है, हमने देखा कि डॉग फिश और सी हॉर्स क्या है हमारा ट्रू फिश होते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा मैमल जो है जो फ्लाई कर सकता है, दैट इज बैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसे मॉस्किटो के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ओनली मेल सेक ब्लड, नो, फीमेल सेक ब्लड सक करती है, फीमेल सेक प्लांट जूसेस, नो, और फोर्थ ऑप्शन है मेल से विगर विंग्स देन फीमेल्स, नो. फीमेल्स के विंग्स जो है वो मेल मॉस्किटो से ज़्यादा होते हैं. और अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं मॉस्किटो के बारे में, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये क्यूली सिडे फैमिली को बिलोंग करता है. और फीमेल एनिफिलीज जो है वो हमारे मलेरिया कैरियर के रूप में वर्क करती है. और मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से हमें मलेरिया फैलता है. और मलेरिया की दवाई हमें किससे मिलती है, एक प्लांट होता है क्विनोन सिनकोना ट्री, उससे हमें मलेरिया की दवाई मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आउट ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म बैट, क्रो, ईगल एंड पैरट विच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप एवीज. देखिए एवीज में कौन से एनिमल्स आते हैं, जितने भी हमारी बर्ड हैं वो हमारी सारी एवीज ग्रुप को बिलोंग करती हैं. तो बैट जो है वो हमारा एवीज ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो क्लास ममेलिया में आता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से एनिमल्स जो है नॉक्चुरल होते हैं. तो नॉक्चुरल वो एनिमल्स होते हैं जो अपने प्रे रात में सर्च करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, बैट्स और ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कौन कौन से हमारे क्लासिफिकेशन है, दैट इज मोनेरा, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा और एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है विच वन इज अ मैमल, सार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस एंड व्हेल. तो व्हेल जो है वो हमारा लार्जेस्ट मैमल होता है, लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल भी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज द लार्जेस्ट मैमल, दैट इज व्हेल. आउट ऑफ फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल एंड हम्पबैक व्हेल विच स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ टूटेड व्हेल. तो राइट आंसर इज स्पर्म व्हेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इज डॉल्फिन मेल, या डॉल्फिन्स आर मैमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ डिंगो, अल्सेशियन, डैल्मेशियन एंड लैब्राडोर विच वैरायटी ऑफ डॉग इज अनेबल टू वॉर्क बार्क, मतलब डॉग की कौन सी वैरायटी है जो भौंक नहीं सकती, दैट इज डिंगो. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एम्फीबियंस क्या होते हैं. एम्फीबियंस हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर पे रह सकते हैं और लैंड पे रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग हुआ, टॉर्टोइज हुआ, ये हमारे एम्फीबियंस में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आउट ऑफ काउ, गोट, सीप एंड डियर, नीलगाय जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, दैट इज डियर. ऑक्टोपस क्या है, एक मॉलस्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट एंड लॉन्ग, व्हाइट लेग हॉर्न
ये किसकी वैरायटी है, ये एक फॉल की वैरायटी है। और पांडा किस फैमिली को बिलोंग, क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडा किस फैमिली को बिलोंग करता है, डेट इज बियर। और इसकी फैमिली का नाम क्या है, अर्सीडे। और ये इसकी क्लास क्या है, मैमेलिया। आउट ऑफ सी काओ, सी हॉर एंड सी लॉन, से पूछा गया विच वन आर द विच एनिमल्स आर द मैमल्स, जो सी काओ और सी लॉन जो है हमारे मैमल्स होते हैं। सील किसकी स्पीसीज है, एक मैमल की स्पीसीज है। और टू विच ग्रुप डज अ वेल बिलोंग, हमने देखा कि वेल किस फैमिली को बिलोंग करता है, मैमल। और वेल जो है वो एक लार्जेस्ट एक्वाटिक मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट मैन फ्रॉम अदर प्राइमेट्स, तो जो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं मैन का अदर प्राइमेट से, दैट इज एग्जीबिशन। और इसका मतलब है कि मैन की जो प्रॉपर करेक्टरिस्टिक है, दैट इज टू डिजायर टू लर्न, मतलब मैन जो है वो हर चीज़ को सीखना चाहता है, कि एनिमल्स में ये करेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। और फिर गिबॉन, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ऑरंगोटान, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, सबसे छोटा स्मॉल मैन लाइक एप है, दैट इज गिबन। और फिर गिबन, गोरिल्ला, लंगूर एंड ऑरंगोटान, विच वन इज नॉट ए एप, लंगूर जो है वो हमारा एप नहीं होता है। और फिर मोलॉज, कैमल, जैबरा एंड ओरोमा स्टिक्स, विच एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन, कैमल जो है अपने वाटर जो है इंटेस्टाइन में स्टोर करके रखता है और 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू, स्नेक की जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो इस किसके सिमिलर है, होमोलोगस टू, दैट इज सेलिवरी ग्लैंड जो होती है वर्टिब्रेट्स की, उसके सिमिलर होती है। और पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक एंड मॉडिफाइड फॉर्म, जो स्नेक के पॉइजनस फैंग्स होते हैं वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज मैक्सिलरी टीथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पूछा गया कि इन सबसे ज़्यादा स्पीसीज हमें किसकी मिलती है, जितने भी किंगडम्स है, जितने भी क्लासिफिकेशन हुआ है एनिमल किंगडम का, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस चीज़ की पाई जाती है, डेट इज इंसेक्ट की वेराइटी स्पीसीज जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। आउट ऑफ बैड बग, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, विच वन इज नॉट एन इंसेक्ट, इंसेक्ट। देखिए स्पाइडर जो है वो हमारा इंसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, डेट इट हैज़ 8 legs। आउट ऑफ बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो एंड स्पाइडर, विच वन इज नॉट एन इंसेक्ट, स्पाइडर जो है वो हमारा इंसेक्ट नहीं होता है, ये इसके 8 legs होते हैं। और किस फैमिली को बिलोंग करता है, सिसेरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। और किस क्लास में आता है, आर्किनिडा क्लास में आता है। और कौन से किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्पाइडर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट, स्पाइडर इंसेक्ट से डिफरेंस क्यों, इसलिए है क्योंकि उसके 8 legs होते हैं। ग्लोवॉर्म क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है। और टर्माइट्स क्या होते हैं, टर्माइट्स जिसको हम दीमक बोलते हैं, वो एक तरीके की वाइट एंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आउट ऑफ एकिडिना, कंगारू, पॉर्कोपाइन एंड वेल, विच ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, मतलब अंडे तो देती है और लेकिन अपने यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करती, दैट इज एकिडिना। आउट ऑफ ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल एंड जेलीफिश, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है इसमें से, दैट इज स्क्विड। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स एंड माइट्स क्या होते हैं, आर्किनिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच वन ऑफ दिस करेक्ट, सर पूछा गया कौन सा एस्टिमेट करेक्ट है, टैपवर्म इज फॉर दैट करेक्ट, रनवर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, दैट इज ट्रू। रनवर्म्स क्या होते हैं, हमारे पैरासाइट होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। और फ्लेरिया क्या है, एक फ्लेरिया किसी वजह से होता है, नेमेटोड की वजह से होता है। नेमेटोड्स का हम देख लेते हैं, नेमेटोड्स क्या होते हैं, नेमेटोड्स आर रनवर्म, रनवर्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं। डेट कॉज पैरासिटिक ह्यूमन इंक्लूड एस्केरेट्स, फ्लेरिस, फ्लेरिस डिसीज है, हुक वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स एंड वेब वॉर्म्स। गिनीरा वॉर्म क्या है, एक तरीके नेमेटेड होता है, एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लाइकेंस आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर मेड फ्रॉम, लाइकेंस क्या है, एक तरीके सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच का, तो दैट इज फंगाई एंड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन ओवन ओन अ बियर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ट्रू। आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रैब, माइट और स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इसे पूछा गया है कौन सा एनिमल जो तीनों इसमें से तीसरी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये तीन, कोई तीन एक कैटेगरी बिलोंग करते हैं जबकि कोई एक अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज क्रैब जो है वो हमारा अलग कैटेगरी बिलोंग करते हैं, जबकि स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट हमारे किस में बिलोंग करते हैं, एक अलग कैटेगरी में। क्रैब किस फैमिली में आते हैं, क्रैब्स जो लॉबस्टर की फैमिली होती है उसको बिलोंग करते हैं, जबकि सब फाइलम क्रिस्टिकिया। और ये यार किस फाइलम में होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज अ मशरूम, मशरूम क्या है, एक तरीके फंजाई है, मशरूम यूज इन मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज अ मशरूम, क्या है, एक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा गया विच वन इज द करेक्ट, द बर्ड दैट नेवर मेक्स इन नेस्ट कुकू, कोयल जो है अपने घोंसला कभी नहीं बनाती, दैट इज ट्रू। और कुकू अपने घोंसला किस में रखती है, क्रोक में, क्रोक का जो घोंसला होता है उसमें अंडे रखती है। द एनिमल दैट ड्रॉप ऑफ इट्स टेल, लिजार्ड, लिजार्ड की अपनी टेल छोड़ती है और ये रीजनरेट हो जाती है। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर दैट इज ब्लू व्हेल, ट्रू। और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल जो है वो चिंपैंजी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टर ड्वार्फ वीट, हाइब्रिड मेज, ट्रिटिकेल एंड सोयाबीन, विच वन इज अ मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर? ऐसा कौन सा मैन मेड सीरियल है जो कि नेचर में नहीं मिलता है? ट्रिटिकेल। और बी की एवरेज स्पीड क्या होती है? 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब लोकल फ्लोरा की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? डेट इज हर्बिवेरियम। पोली हाउस इज यूज फॉर, पोली हाउस किस लिए यूज होता है? डेट इज ग्रोइंग प्लांट्स के लिए। चिलगोजा, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड स्पीसीज ऑफ, सीड ऑफ ए स्पीसीज ऑफ चिलगोजा में किसकी, किस सीड की स्पीसीज से मिलता है? डेट इज पाइन। एस्टुरीज पसेज डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजेलेटिस, दिस ब्लूम्स आर नॉन एज दिस ब्लूम्स को हम क्या बोलते हैं, जो डायनोफ्लैजेलेटिस पिगमेंट की वजह से होते हैं जिसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, दैट इज रेड टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर पूछा गया कौन सा ट्रू है? कस्केटा इज अमरबेल, वो किसका एग्जाम्पल? पैरासिटिक एंजियोस्पर्म का, दैट इज ट्रू। कस्केटा क्या होता है? एक येलो कलर का ट्यूबुलर प्लांट होता है और इसका जो न्यूट्रिशन है वो किसी और प्लांट पर डिपेंड करता है, ये अपना न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बन, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऐसा कौन सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है ऑटोनोमस ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए? दैट इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वन इज नॉट अ करेक्ट, इसमें करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ईस्ट क्या फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है? कैशिन, मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, एंजियोस्पर्म, नेपेंथिस, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या है? पैरासिटिक एंजियोस्पर्म नहीं है, नेपेंथिस जो है वो एक तरीका पिचर प्लांट होता है, एक पिचर प्लांट है। और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म की फैमिलीज में क्या आते हैं? बैलेनोफोरिक्सी और बैनेशेई और रेफ्लेशेई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, देखिए इसमें पूछा गया कि कौन से तीनों जो हैं क्या एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं? चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन एंड ब्लैक अफ्रीकन, ये तीनों एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम स्पीसीज को, ओके। जबकि पिजन, डफ, पार्टरीजेस, टाइगर, लॉयंस, कैट्स, ये तीनों जो हैं सभी एनिमल्स जो हैं वो किसी एक सेम स्पीसीज को बिलोंग नहीं करते। स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं, स्पीसीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के और कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग करने के लिए और प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए भी वो कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोड्यूस थ्रू फिटिकल्चर, दैट इज आंसर इज ग्रेप्स। द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बींग यूज एज वेजिटेबल, वेजिटेबल्स की साइंटिफिक स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर। स्टडी फ्लावर को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं? जो सॉइललेस कल्चर होता है प्लांट्स का, उससे स्टडी करना इज हाइड्रोपोनिक्स। हम देख लेते हैं कितने तरह की स्टडीज होती हैं, कि जो एग्जाम में कई पूछी गई हैं, दैट इज एरोलॉजी, एटमोसफेयर की स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन्स की स्टडी करना, कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी करना, साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी करना। सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। डर्मेटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? स्किन की। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है? इंसेक्ट्स की। एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं? किसी डिजीज का ओरिजिन और उसका स्प्रेड कैसे हुआ वो स्टडी करते हैं। यूरोन्टोलॉजी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ये इसकी स्टडी होती है ओल्ड एज की स्टडी होती है। और हीमेटोलॉजी स्टडी किसकी होती है? ब्लड की स्टडी करना। हेपेटोलॉजी, लिवर की स्टडी करना। एंड्रोलॉजी, मेल हेल्थ की स्टडी करना। कार्डियोलॉजी में हार्ट की स्टडी करते हैं। और एग्रोस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? ग्रास के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइड्रोलॉजी में स्टडी ऑफ वाटर, मिथोलॉजी में रॉक की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी फंजाई, फंजाई हमारे क्या क्या होता है? ईस्ट, मशरूम। हमारे टेलोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? जो न्यूबॉर्न इन्फेंट, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्टडी करते हैं। नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी करते हैं। और ओडोंटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? टीथ की। ऑन्कोलॉजी में कैंसर की स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में बोन्स की स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी भी एग्जाम में पूछी गई है। पैलेंटोलॉजी भी एग्जाम पूछी गई है, जो फॉसिल्स की स्टडी करना। पेडोलॉजी में सॉइल्स की स्टडी करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। साइकोलॉजी, एल्गे की स्टडी करना। साइटोलॉजी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेफ्रोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? क्लाउड्स की स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी भी एग्जाम पूछी गई है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं। पहली बॉटनी एग्जाम पूछी जा चुकी है, जो स्टडी प्री हिस्टोरिक मेटाफाइट्स की स्टडी करते हैं। पल्मोनोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? लंग्स की स्टडी करते हैं। और जो लंग्स का जो डॉक्टर होता है उसको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। राइनोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? नोज की। फेलिनोलॉजी में कैट्स की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में अर्थ की स्टडी करते हैं। सेस्मोलॉजी में अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। और अर्थक्वेक किस ग्राफ से नापते हैं? सेस्मोग्राफ से। सीरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? ब्लड सीरम की। साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ डाइट की। थर्मोलॉजी में हीट की स्टडी करते हैं। और जियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं, लिविंग एंड डेड की। हिस्टोलॉजी में जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पेडोलॉजी इज द साइंस
इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, देखा पेडोलॉजी किस साइंस को रिलेट, किस साइंस की स्टडी है, यानी तो सॉइल की स्टडी करते हैं। नेचर में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी, इसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड की स्टडी करना और उसकी नॉलेज को मैकेनिकल वर्ल्ड में यूज करना, उसको क्या बोलते हैं बायोनिक्स। जूलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं, लिविंग डेड एनिमल्स की। और जेनेटिक्स किससे डील करता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरोंटोलॉजी किससे रिलेट करता है, ओल्ड एज से, हनी बीज, एपिकल्चर और रेयरिंग सिल्कवर्म, सेरिकल्चर। और स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं, सरपेंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में जो वॉर्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। जो बोन्स की स्टडी होता है वो किस साइंस का, साइंस की ब्रांच है, जैसे ऑस्टियोलॉजी। और ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज, ओल्ड एज वाला तो कई बार पूछा गया है, दैट इज जीरोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एजिंग इज जीरोंटोलॉजी। और लिथोट्रिप्सी क्या होती है, जो किडनी में जो स्टोन होता है उसको रेस के थ्रू ब्रेक करना, दैट इज लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया डिफ्रेंशिएट करना है कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टेरियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। साइकोलॉजी जो है वो इन सबसे अलग है। फिजियोलॉजी क्या होता है, एक लिविंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, दैट इज फिजियोलॉजी, एक तरीके की साइंस होती है। भी साइकोलॉजी क्या है, किसी मेंटल फंक्शंस की और बिहेवियर की स्टडी करना, दैट इज साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एल्गी, फंजाई, नन ऑफ दिस अंडर पैलीबॉटनी। वह पैलीबॉटनी हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें किसी की स्टडी नहीं करते। पैलीबॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं, दैट इज प्री हिस्टोरिक जो मेटाफाइट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं पैलीबॉटनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसे पूछा गया करेक्ट कौन सा है, बर्थ की स्टडी, ऑर्निथोलॉजी करेक्ट, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और फॉसिल्स, पैलीबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल्चर में हनी बी, सेरिकल्चर, सिल्कवर्म, पिसिकल्चर में इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग, और हॉर्टिकल्चर में फ्लावर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, फ्लावर कल्टिवेशन, फ्लोरिकल्चर, ट्रू, क्रॉप कल्टिवेशन, एग्रोनॉमी, ट्रू, वेजिटेबल कल्टिवेशन, हॉर्टिकल्चर, नो, वेजिटेबल कल्टिवेशन क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर, और फ्रूट कल्टिवेशन क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।